हमारे यहाँ बिहार झारखंड में पूर्णिमा एक विशेष दिन होता है। इस दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और कुछ लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से बिहार झारखंड में रात में दलपूड़ी, खीर और सब्जी बनाए जाते हैं। इसका विशेष महत्व है। मैंने भी पूर्णिमा के दिन दलपूड़ी और खीर और सब्जी बनाया। वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दलपूड़ी बनाने के लिए मैंने मिक्स दाल का उपयोग किया है। मिक्स दाल का पूड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसमें सारे दाल मिक्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अरहर है, चना है, मूंग है, मसूर है, उड़द है और इसमें कुर्थी भी है। इसमें थोड़ा चना दाल कम पड़ रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा चना दाल इसमें डाल करके मिक्स किया है। अब एक बर्तन लेंगे, अपने सारे दाल को डाल करके अच्छी तरह से धो लेंगे। मैंने दाल को दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें पानी डालकर 4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। चार घंटे के बाद दाल अच्छी तरह से फूल गए हैं। मैं इसे तोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए ये अच्छी तरह से टूट रहे हैं, टूट रहे हैं यानी कि अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसके सारे पानी को निकाल देंगे। अब एक कुकर में सारे दाल को डाल देंगे। इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे क्योंकि दाल पहले से फूला हुआ है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ढक्कन लगा करके एक सीटी आने तक उबाल लेंगे। दलपूड़ी के दाल को छकने के लिए मैंने एक प्याज लिया है, लहसुन अदरक हरी मिर्च साबुत जीरा कड़ी पत्ता हल्दी और हींग लिया है। प्याज को महीन महीन काट लेंगे, कड़ी पत्ता को महीन काट लेंगे, लहसुन अदरक हरी मिर्च को कूट लेंगे और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। मैंने दाल में कम ही नमक डाला था इसीलिए मैंने थोड़ा नमक लिया है। दाल अच्छी तरह से पक गए हैं, देख सकते हैं आप। मैं इसे दबा के दिखा देती हूँ, देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब एक कढ़ाई मैंने लिया है, उसे गैस पर चढ़ा दिया है। अब उसमें थोड़ा सा तेल डाल के गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें साबुत जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटकने लगे तब उसमें लहसुन अदरक कूटा हुआ डाल देंगे, इसे हल्का भून लेंगे। जब लहसुन अदरक हल्का भुना जाए तब इसमें हींग डाल देंगे। हींग अच्छी तरह से भुना जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें कटी हुई करी पत्ता को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। सब अच्छी तरह भुना जाए तो इसमें उबले हुए दाल को डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे, इसके पानी खत्म होने तक भूनेंगे। इसे लगातार चलाते भूनेंगे, अगर लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे बैठ करके जलने लगेगा। हम देख सकते हैं कि मैं इसे लगातार चलाते जा रही हूँ। इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा, इसे बहुत कम ही भूनेंगे। देखिए थोड़ा गीला ही रखना है इसे जो कि आटा में अच्छी तरह से भरा जाए। देखिए अच्छी तरह से भुना गया है। मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब मैंने 2 कप के लगभग आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। जिस तरह की रोटी बनाते हैं सॉफ्ट आटा गूँथ करके, उसी तरह से इसके भी सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। मैंने सॉफ्ट आटा गूँथ लिया है, अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। आटा गूँथ करके रखने से रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती है। दलपूड़ी के साथ मैंने आलू का सब्जी बनाया है। इसमें मसाला डालने के लिए मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया है, हींग लिया है, प्याज और करी पत्ता को काट लिया है, टमाटर को काट लिया है, 5 फोरन ले लिया है, मिक्स मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। मैंने 2 आलू लिया है, कच्चे आलू हैं ये, इसके 2 टुकड़े कर लिए। मैंने आलू को 2 टुकड़े कर लिया है और 2 तेज़पत्ता भी लिया है। अब कुकर में तेल डालकर गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें 5 फोरन डाल देंगे। 5 फोरन जब चटकने लगे तो इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे और इसमें कूटे हुए लहसुन अदरक को डालेंगे, ऐसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब लहसुन अदरक भुना जाए तो इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे।
प्याज भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब प्याज भुना जाए तब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। मैंने मिक्स मसाला डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, हींग डाला है। हींग से खाना पचने में मदद मिलता है, इसलिए मैंने हींग डाला है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी मिर्च को तेल में भूनने से इसमें बहुत अच्छे रंग आते हैं। अब कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और इसे भून लेंगे। टमाटर डालने के तुरंत बाद ही इसमें नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जिससे टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगा, अब भुना जाएगा। अब इसमें दो कटे हुए आलू को डाल देंगे। आलू को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू को मैंने बड़ा बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये आलू उबले हुए आलू से भी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दो सीटी आने तक इसे पका लेंगे। सब्जी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। देखिए मैं कर रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़े कर देने के बाद ये सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं पूरे रस में। रस भी इसके बहुत गाढ़े हो जाते हैं और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। देखिए आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितने सुंदर भी दिख रहे हैं। जितने सुंदर दिख रहे हैं ये उतनी टेस्टी भी हैं खाने में। सब्ज़ी बन करके तैयार है। अब आटा को जो 10 मिनट हो गए थे अब इसे हल्का गूँथ लेंगे। मैंने आटा को हल्का गूँथ लिया है। अब इसके लोई तोड़ लेते हैं। लोई इसके थोड़ा बड़े बड़े बनते हैं, इसमें दाल भराता है इसीलिए इसके लोई थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि लोई कितने अच्छे और कितने बड़े बड़े हैं। देखिए इसी तरह से इसके लोई बड़े बड़े होने चाहिए। मैंने सबके लोई बना लिए हैं। अब तवा गर्म होने के लिए मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब लोई को आटा में डिप करके बेलेंगे। इसे हल्का ही बेलेंगे। देखिए मैं इसे बेल रही हूँ, बस इतना ही बेलना है। भुनी हुई दाल को मैंने प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब दाल को रोटी में जो बेल के रखे थे उसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पैक कर रही हूँ। आप अपने अनुसार इसे पैक कर सकते हैं। दाल पैक करने के बाद इसे ऊपर से दबा देंगे। उसके बाद इसे फिर से आटा में लपेट करके फिर इसे रोटी जैसा बेल लेंगे। पहले हाथ से प्रेस करेंगे, उसके बाद इसे बेलन से बेल लेंगे। इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। देखिए मैं इसे बेल रही हूँ। इसे हल्के हाथों से ही बेलेंगे, इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। देखिए मैं बेल रही हूँ जिस तरह से उसे ही बेलना है। इसके आप पूरी बना करके तेल में छान करके भी खा सकते हैं। तवा गर्म होने के लिए मैंने पहले से चढ़ा के रखा था। अब इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे और इसे अलट पलट देंगे और उसके बाद इसमें रिफाइंड लगा देंगे। आप अपने मनपसंद ऑयल लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं। मैंने रिफाइंड लगाया है। ऐसे दोनों तरफ रिफाइंड लगा देंगे और अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसे चारों तरफ से घुमा घुमा करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। पूरी अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गए। ये बहुत ही अच्छी तरह से पक भी गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक और पूरी बना करके दिखा देती हूँ। ठीक उसी तरह से एक लोई लेंगे और आटा में डिप करेंगे, उसके बाद फिर इसे बेल लेंगे। इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। देखिए अच्छी तरह से बेला गया है। अब इसके ऊपर 2 चम्मच दाल के मिश्रण को डालेंगे और अच्छी तरह से पैक कर देंगे। मैं इसे अच्छी तरह से पैक कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा, नहीं तो इसके मुंह अगर खुल जाएंगे तो दाल बाहर निकल जाएगा। अब इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे
फिर आटा में डिप करेंगे, उसके बाद इसे हल्का मोटा बेलेंगे। दल पूड़ी हमेशा मोटा ही बेला जाता है। मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसे गर्म तवा के ऊपर डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे भी अलर्ट कर देंगे, उसके बाद ही रिफाइंड लगा देंगे। पहले रिफाइंड अगर लगा देंगे कच्चा में तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सोख लेगा। इसे हल्का पकने के बाद ही लगाएंगे तो ये कम ऑयल को सोखता है। इसे भी अलर्ट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। पूड़ियाँ बन करके तैयार हो गए हैं। मैं इसे अब तोड़ करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैं इसे तोड़ रही हूँ। इसके अंदर के जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए ये अच्छी तरह से आटा में भी चिपका हुआ है और अच्छी तरह से पक भी गए हैं। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। खीर की रेसिपी मैंने पहले से डाल के रखा है, आप वहाँ से देख करके बना सकते हैं। देखिए स्वादिष्ट आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर बन करके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप बनाइए और खाइए, और कैसे बने हैं इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।